बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गेटवे टू फिज़िक्स के ऊपर चैनल यू पी पर हम 9th और 10th की फिज़िक्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा ये जो टॉपिक है, हमारी 9th की बुक में जो चैप्टर है वर्क, पावर, एनर्जी, मिलती जुलती टर्म्स हैं, एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं, तो उससे हम स्टार्ट ले रहे हैं वर्क से कि वर्क क्या चीज़ है। फिज़िक्स में वर्क दो बातों का इकट्ठा होना है, और इकट्ठे से मुराद हम ये कहते हैं कि अगर एक है और दूसरी नहीं है तो वो दो बातें अगर इकट्ठी होंगी तो वर्क कहलाएंगी। अगर अकेली रहें, इंडिपेंडेंट रहें, सेपरेट रहें, तो कुछ भी हो जाए हम उसको वर्क नहीं कहेंगे। अब वो दो बातें क्या हैं? व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड कवर सम डिस्प्लेसमेंट, इट इज सेड दैट force has done work. actually work का concept हमारी routine में इतना ज़्यादा आता है कि हम इसको बड़ा सतही तौर पे लेते हैं, हम इसको in-depth नहीं इसमें जाते हैं। एक तो याद रखिएगा कि maths में जब भी end का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, और ये आपने बहुत जगह maths में, physics में बहुत जगहों पे आपने एंड का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। एंड इस्तेमाल होता है मैंडेटरी के लिए, कंपलसरी के लिए। जब दोनों बातें इकट्ठी होनी चाहिए तो तब हम ये जो एंड का लफ्ज़ है इंसर्ट करते हैं। आपने इसको मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि जब आप इंटरसेक्शन करते हैं तो हम सेट बिल्डर नोटेशन में लेते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड बी, यानी ये जो हमारे पास जो इंटरसेक्शन के ज़रिए जो सेट आएगा वो दोनों सेट्स के अंदर उसके जो एलिमेंट्स हैं दे मस्ट बी प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम। सो दैट बिकम्स एंड कॉन्सेप्ट कि एंड क्या चीज़ है। अब एंड कवर सम, सो व्हाट इज गोइंग टू कवर सम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द फोर्स, इट इज नॉट द ऑब्जेक्ट। ये याद रखिएगा। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है, उनके लिए तो कन्फ्यूजन या उनको तो कंफ्यूज होना या थोड़ा सा डीरेल होना जायज़ है। काफ़ी दफ़ा हमारे साथ जो टीचर्स होते हैं वो भी कॉन्सेप्ट ने, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होते हैं। रिमेंबर, ये हम जो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स, नॉट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेचुरली टू सम एक्सटेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी एट द सेम टाइम। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक कोई रोलर कोस्टर टाइप चीज़ है कि कोई बॉक्स है जिसके नीचे पहिए लगे हुए हैं, और मैं उसको धक्का देते हुए यूँ आगे जाता हूँ और छोड़ देता हूँ, तो अब मेरी जो फोर्स थी, ये देखिए यहाँ तक तो उसने एक्ट किया, इसके बाद फोर्स का एक्शन ख़त्म हो गया, इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट था वो खुद बहुत आगे जाता रहा। सो यहाँ पे ये मुराद नहीं है। अब ऑब्जेक्ट तो अगर आपने फ्रिक्शन नहीं रखी है, देयर इज़ अ फ्रिक्शन लेस सर्फेस, या अगर आप कहीं स्पेस में हैं तो ये ऑब्जेक्ट तो कभी नहीं रुकेगा, तो आप क्या कहेंगे कि उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या इनफाइनाइट हो जाएगी, इन्फिनिटी? नो। सो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो अब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये देखिए ये जो मेरा हाथ है ये जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, यानी मैं यहाँ से रवाना हुआ यहाँ तक गया, यहाँ मैंने इसको छोड़ दिया, सो ये जितना मेरी फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, दैट इज सो वर्क विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। स्मॉल आपको पता है हमने वेट के लिए यूज़ किया हुआ है। सो फोर्स के लिए हम करते हैं F और डिस्प्लेसमेंट के लिए S। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ये मैथमेटिकल फॉर्म है, और हम इसी वर्क को मैथमेटिकली भी डिफाइन करते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट।
बजाय खुद एक बहस है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में आप इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक लफ्ज़ आपके लिए डाल दिया आपके अजहान में कि एक लफ्ज़ रहे कि जी डॉट प्रोडक्ट भी कोई चीज़ होती है। जब वक्त आएगा तो उस पर आप देखेंगे। अब देख लीजिए कि मैंने ये यहाँ पे एक डॉट डाला हुआ और ये दोनों वैक्टर्स हैं, इन यानी फोर्स वैक्टर और डिस्प्लेसमेंट वैक्टर के दरमियान मैंने एक डॉट डाला और इसी डॉट की वजह से इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। प्रोडक्ट तो आप जानते हैं, जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं। ये हमारे पास वर्क की मैथमेटिकल फॉर्म या वर्क की इक्वेशन बन जाती है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। दोबारा से इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हमारे पास, अब अगर ऑब्जेक्ट है ये और फोर्स है ये, गौर से देखिएगा, तो अब जब इसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा होती है तो ये देखें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, तब तो आप W इज इक्वल टू एफ एस भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हम हर दफ़ा जब किसी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो फोर्स यूं ही लग रही होगी। ये फोर्स यूं भी तो लग सकती है, यानी आपके पास एक बॉक्स है और आप इसको खींच रहे हैं, तो अब ये बॉक्स जिस सरफेस पे पड़ा हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो तो अलोंग, यहाँ कह लीजिए अलोंग एक्स एक्सिस है, और जो फोर्स लग रही है वो तो ना एक्स एक्सिस के साथ है और ना वाई एक्सिस के ऊपर है, बल्कि वो फोर्स तो कहीं बीच में लग रही है कुछ एंगल थीटा बनाते हुए। तो अब हमने इस फोर्स का अफेक्टिव पार्ट निकालना है कि इस फोर्स का, ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट पैदा करने वाला पार्ट कितना है। तो आपको याद होगा कि हमने जब हम डायनामिक्स डिस्कस कर रहे थे और टर्निंग इफेक्ट डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा कि इस फोर्स के दो हिस्से बनते हैं। अगर हम इस फोर्स को F कह दें तो इसका एक हिस्सा ये बनता है विच इज़ कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट और FY, और दूसरा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और FX। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट जो पैदा हो रही है वो एक्स एक्सिस पे है और इसका ये जो कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहा है दैट इज़ नेचुरली गोइंग टू बी FX, सो हमारे पास W इज इक्वल टू FX इंटू S हो जाता है। ये भी आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि FX इज इक्वल टू F cos थीटा, तो हम इसको रिमूव करके इसकी जगह F cos थीटा लिख देते हैं और ये S, इसको रीअरेंज कर देते हैं तो सिर्फ ये S यहाँ पे आ जाता है। अब स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कैलकुलेटर्स हैं विच यू मस्ट हैव, बहुत सस्ते मिल रहे हैं आजकल कैलकुलेटर्स, आपको बड़े आराम से मिल जाते हैं, तकरीबन 150 रुपए के लगभग आपको एक अच्छा कैलकुलेटर मिल जाता है। अच्छे से मुराद वो नहीं है कि जो शायद बहुत ज़्यादा किसी अच्छे, नाउ दिस इज़, ये हमारी काफ़ी जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करता है, और ये कैलकुलेटर लगभग आपको 150 के लगभग आपको मिल जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने कैलकुलेटर उठाइए, कम से कम एंगल जो हो सकता है वो थीटा ज़ीरो हो सकता है, और मैक्सिमम जब आप इस फोर्स को लाएंगे तो इधर तक उठा सकते हैं तो थीटा 90 हो सकता है। अब हम देखते हैं कि अगर कॉस ज़ीरो हो जाए तो उसका क्या असर होगा। जब कॉस ज़ीरो हो जाता है तो आप कैलकुलेटर पे कॉस ज़ीरो टाइप कीजिए, ये यहाँ पे आपको ये कॉस का बटन मिल जाता है, इसके आगे ज़ीरो है तो ज़ीरो टाइप कर दीजिए और इक्वल करें तो आप देखेंगे कि कॉस ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन, तो एफ एस इंटू वन मीन, यानी वो जो आपने फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है वो सारा का सारा कन्वर्ट हो गया वर्क में। इसके मुकाबले में हम कहते हैं कि अगर कॉस 90 है, यानी मैं फोर्स लगा रहा हूँ यू, अब हमने देखिए शुरू में बात की थी, मैं उस डेफिनेशन को अब कनेक्ट करूंगा। कॉस 90 को आप कैलकुलेटर पे चेक कीजिए, ये लिखा कॉस, ये लिखा 90, और ये मैंने प्रेस किया इक्वल तो आई गॉट ज़ीरो। सो अब इसी इक्वेशन में एफ एस कॉस 90 में मैं पुट करता हूँ तो एफ एस इंटू ज़ीरो मीन
सिंपली ज़ीरो। अब जब मैं इसके ऊपर फोर्स यू लगाऊंगा तो क्या कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी? नेचुरली नो, नेचुरली नॉट। सो जब कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं होगी सो वी गेट द वर्क इक्वल टू ज़ीरो। सो हमारे पास यूँ वर्क ज़ीरो हो जाता है अगर आप उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। वंस अगेन यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का यूनिट जो है जाउल के नाम के ऊपर, जाउल ने बहुत ज़्यादा काम किया था वर्क और एनर्जी के रिलेशन को फाइंड करने में, तो वर्क का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो है जाउल, विच इज डिनोटेड बाय जे। अब व्हाट इज वन जाउल? वेरी सिंपल, अगर मैं वन न्यूटन फोर्स को वन मीटर डिस्टेंस तक चलाता जाऊं, यानी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैं इसके ऊपर वन न्यूटन फोर्स लगाते हुए वन मीटर डिस्टेंस कवर करता हूं, ये मेरी फोर्स वन मीटर डिस्टेंस, तो वो जो वर्क होगा दैट विल बी वन जाउल। दिस वर्क, दिस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसका जो असर होगा, ये जो हमने वर्क किया होगा दैट विल बी नोन एज वन जाउल। अगर 1000 जाउल इकट्ठे हो जाते हैं वी कॉल देम वन किलो जोल, या इस किस्म के हम नोटेशन यूज़ करते हैं। जोल के अलावा भी हमारे पास कुछ और यूनिट्स भी हैं वर्क के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन चूंकि हम सिस्टम इंटरनेशनल की बात करते हैं तो हम उन यूनिट्स को इग्नोर कर देते हैं। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा और आपने इसको कुछ किसी हद तक इंटरेस्टिंग पाया होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।